सिलेबस की बात करता हूं कि आपकी जो डीजल थ्योरी है उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, यानी इंजन जो है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंजन क्या होता है। इंजन में आपका डीजल इंजन भी आ गया बेटा, इंजन में आपका पेट्रोल इंजन भी आ गया, इंजन में आपका टू स्ट्रोक इंजन भी आ गया, इसमें फोर स्ट्रोक इंजन भी आ गया, और इनके जितने भी ऑपरेशन होते हैं, वाल टाइमिंग डायग्राम है, ये सारा का सारा कंसेप्ट हम इस डीजल थ्योरी के अंदर देख लेंगे। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में अब हमने इंजन बनाया, इंजन को आप लोगों ने प्रोसेस में लेके आए, इंजन को आपने काम में लिया, और इंजन को काम लेने के बाद में इंजन गर्म होगा भाई, और इंजन यदि गर्म होगा तो उसको ठंडा भी करना है, और अगर ठंडा करना है तो एक सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, एक सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसे नाम देते हैं कूलिंग सिस्टम। क्या नाम देते हैं? कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन का मतलब अगर इंजन चलता रहा तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन डेवलप होगा, घर्षण पैदा होगा, उस घर्षण को कम करने के लिए हमें क्या डालने पड़ेंगे? लुब्रिकेशन ऑयल डालने पड़ेंगे। उसके बाद में हम इसकी इजनेशन प्रणाली पढ़ेंगे। जैसे पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन को अपन क्या बोलते हैं? एसआई इंजन। डीजल इंजन को क्या बोलते हैं? यानी इसमें स्पार्क प्लग लगाएंगे, इसमें कंप्रेशन के द्वारा इजनेशन करेंगे यानी फ्यूल इंजेक्टर लगाएंगे। उसके बाद में इंजन के फ्यूल आते हैं बेटा, कौन से इंजन में कौन सा फ्यूल डालते हैं, कौन से फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है, इन सभी को देखेंगे। देन उसके बाद में इंजन कंप्लीट हो गया। अब इंजन कंप्लीट होते ही आपका थ्योरी का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। ये जो पोर्शन है ये पांच टॉपिक है, मैंने इसको स्मॉल लेवल पे पांच टॉपिकों में डिवाइड किया है, पढ़ोगे तो बहुत बड़ा निकलेगा ये। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे स्टार्ट हो जाता है आपका क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल एक्सल। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म गाड़ी के आगे, मतलब इंजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंजन की पावर को पहियों तक लेके जानी है तो उसके लिए कौन लगा होता है? क्लच के बाद में, गियर बॉक्स के बाद में, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के बाद में व्हील, ट्यूब, टायर और सस्पेंशन सिस्टम, जो आपके स्प्रिंग वगैरह होते हैं ना बेटा, सॉकर वगैरह, वो लगे होते हैं। देन उसके बाद में स्टेयरिंग, चलाना भी तो है, अगला एक्सल है वो किस तरह से बना होता है। उसके बाद में आ जाते हैं आपके तीसरा पार्ट, इसका स्टार्ट हो जाता है। तीसरे पार्ट के अंदर आते हैं टूल, जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूं। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, डायल इंडिकेटर क्या होता है, साइन बार क्या होते हैं, आपका माइक्रोमीटर क्या होता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद में आता है बेटा लिमिट फिट और टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस के बाद में आती है आपकी गेज, स्नैप गेज क्या होती है, है ना, बताया था ना। इसके बाद में आगे चलते हैं मार्किंग टूल एंड मार्किंग मीडिया, जिससे आप मार्किंग करते हो, स्क्रू थ्रेड आ गई, कटिंग टूल आ गया, वेल्डिंग आ गया, और ऑक्यूपेशन सेफ्टी, आपको जब आप काम करते हो तो किन किन सेफ्टियों का ध्यान रखा जाता है। अब हमने जो पढ़ा टोटल जो डीजल थ्योरी है, उस डीजल थ्योरी के कितने पार्ट हो गए भाई? तीन पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या होता है? इंजन होता है बेटा। आपको पहले पोर्शन के अंदर केवल इस इंजन के बारे में पढ़ना है कि इंजन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, टू स्ट्रोक इंजन कैसा होता है, फोर स्ट्रोक इंजन कैसा होता है। टोटली हमारा जो डेवोटेशन है ना, वो टोटली हम डिवोटेड हो जाते हैं बेटा किसके ऊपर? इंजन के ऊपर। क्लियर है? तो इंजन के अलावा हमें और कुछ सोचना भी नहीं है। इंजन इज द बेस्ट, इंजन से बड़े बढ़कर हमारे लिए जीवन में कोई भी नहीं है, आपको ये मान के चलना है। इसके बाद में हम अगले पोर्शन पर चले। नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों का होता है क्लच। क्या होता है भैया? इंजन 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 पढ़ना है कम से कम एक महीने तक। ठीक है। उसके बाद में हम क्लच पे चले। ये सेकंड पोर्शन स्टार्ट हुआ। क्लच के बाद में कौन है? गियर बॉक्स के बाद कौन है? प्रोपेलर शाफ्ट के बाद, डिफरेंशियल के बाद, रियर एक्सल, रियर एक्सल के बाद में व्हील, ट्यूब, टायर, सस्पेंशन और आपका फ्रंट एक्सल और स्टेयरिंग। ये हो गया दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया दिया बेटा, इसमें क्या आता है? टूल आते हैं। क्या आते हैं? टूल आते हैं। कर लोगे तीनों पोर्शनों को? चलो जी, हिम्मत होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंजन का परिचय, इंजन का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये अपना किस तरह से अपन इसको पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आते बेटा इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारा फ्यूल होता है। फ्यूल बोले तो तेल। कोई गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, कोई डीजल से चलेगी, कोई भाप से चलेगी, चलेगी लेकिन किसी ना किसी फ्यूल से। ईंधन को ऊष्मा में बदलता है। किस में बदलता है? ऊष्मा में बदलता है। यानी हमने सीधे से शब्दों में लिख दिया कि आपका जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उससे सबसे पहले क्या पैदा होगी? हीट डेवलप होगी, और हीट से क्या है, कौन सी एनर्जी मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पहिए का घूमना। क्लियर है? सबसे पहले हमने गाड़ी में तेल डाला, तेल डालने से उससे क्या डेवलप हुई? ऊष्मा पैदा हुई, ब्लास्ट होगा अंदर,
ऊष्मा पैदा होने से क्या पैदा हुई, यांत्रिक ऊर्जा, और पहिए घूमने लग गए। तो ये डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है ना बेटा, ये काफी बार एग्जामों में आ चुकी है कि हीट इंजन या इंजन क्या होता है। इंजन एक मशीन है जो फ्यूल की ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, या अपन इंग्लिश में बोले इंजन इज ए मशीन दैट कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। फ्यूल की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, इंजन करता है। क्लियर है बेटा, याद रख लोगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एक दो बार नहीं भैया, काफी बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ज्यादा वो नहीं है। अब बात करते हैं हीट इंजन जो है, इस हीट इंजन को किस तरह से डिवाइड किया गया है, है ना, बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है बेटा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंजन को कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने क्लासिफाइड किया था। सबसे पहले बात करें तो इंजन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। जो ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है इसे शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा आईसी इंजन। क्या बोलते हैं? अब जिन बच्चों ने भैया मैकेनिकल से डिप्लोमा बीटेक, ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा बीटेक किया, उन्होंने तो इस सब्जेक्ट को स्पेशली पढ़ा होगा। ये खुद एक सब्जेक्ट है आईसी इंजन। क्या है? तुम्हारी जो सब्जेक्ट है, तीन चार सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट में बोलते हैं आईसी इंजन और इसे बोलते हैं बेटा ईसी इंजन। किसी जमाने में ये भी एक सब्जेक्ट हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में दौर बदल गए, समय बदल गए, इंजन ही बदल गए, तो इंजन बदलने के कारण इसका बेचारे का अस्तित्व तो थोड़ा खतरे में आ गया। अब इसको कोई पसंद ही नहीं करता, पसंद तो लोग जब करें ना, जब एग्जाम में आए, तो एग्जाम में आता नहीं है तो लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा भाई इंजन दो तरह के होते हैं, एक इंजन वो होता है जिसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है और एक इंजन वो होता है जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है। तो कितने तरह के इंजन हुए? दो तरह के। पहले मैं आपको इंजन बता दूं बेटा, जैसे एक इंजन ये है, इसका नाम है ईसी इंजन। कौन सा इंजन है? ईसी इंजन। ईसी इंजन का मतलब वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर हो या बाहर, बाहर होता है। और एक होता है बेटा आईसी इंजन। आईसी इंजन वो इंजन होता है जिसमें दहन सिलेंडर के कहां होता है, अंदर होता है। दहन का मतलब होता है कंबेशन, कंबेशन का मतलब होता है फ्यूल का जलना। जिसमें फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलता है उसे आईसी, जिसमें बाहर जलता है उसे ईसी। ईसी का मतलब एक्सटर्नल, आईसी का मतलब अंदर। क्लियर है? जैसे ये आपका इंजन है और आपने देखा भी होगा, कौन सा इंजन है बेटा? ये बाप इंजन है। इसकी खोज किसने की? जेम्स वाट ने। पढ़ा होगा यार, स्टीम इंजन की खोज, बाप इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट ने, है ना, सबसे पहले इंजन खोजा था। ये इंजन क्या होता है बेटा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गदर, गदर एक प्रेम कहानी, पहले वाली है ना, आप तो गदर 2 आई है, उसमें मतलब ट्रेन का कुछ खास रोल दिखाया नहीं। गदर मूवी में आपने देखा होगा लास्ट में जब वो शकीना होती है ना हीरोइन, अमीषा पटेल, नहीं देखी? फिर तूने जिंदगी में देखा क्या है? ऐसे कर बेटा, जो जनगणना है उसमें से अपना नाम अलग ही करवा ले, तूने फिर कुछ नहीं देखा। जब तूने गदर एक प्रेम कहानी नहीं देखी तो क्या देखा तूने? चलो कोई नहीं, अब देख इधर, यहां दिखाते हैं तेरे को, है ना। तो कदर मूवी में क्या होता है कि ये जो इंजन होता है वो स्टीम इंजन होता है बेटा। सनी देओल और उसका बेटा कोयले डालता है उसमें। ये कोयले इंजन के अंदर डालते हैं किसी चैम्बर से में डालते हैं? चैम्बर, जिसे हम बोलते हैं कंबस्शन चैम्बर, दहन कक्ष। क्या बोलते हैं? यहां पर आपका क्या होता है बेटा, कोयला डाला जाता है। कोयला डाला तो कोयले से क्या बनी? भाप पैदा होती है, ये गर्मी पैदा होती है। अब ये बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म हुआ करता था उस जमाने का। कोयले के लिए अलग से एक वो बना होता बेटा, भट्टी टाइप का, इसके लिए भर्तियां निकालनी पड़ती। दो आदमी क्या, चार आदमी चाहिए होते थे। दो आदमी कोयले फेंकते रहते, जब वो थक जाते फिर तो वो बैठ जाते, दो फिर फेंकने लग जाते, यानी चार आदमी तो ग्रुप डी के कोयले फेंकने में ही लगते थे। अब इलेक्ट्रिक, उसके बाद डीजल की गाड़ी आई, थोड़े से टेक्नीशियन और ग्रुप डी वालों के पद कम हो गए। जमाना देखो कितने धीरे धीरे बदला। ये वही है जो माथे पे काली सी पट्टी बांध के कोयले फेंकते रहते थे ना, वही वाले हेल्थ वेल्थ अच्छी लेते थे, क्योंकि कोयला फेंकबा को भी दम हो। जैसे ये है, ये तो सनी देओल के बेटे की तरह एक एक फेंकता और चल ली ट्रेन, कल ही चलेगी। कोई भाई अगर गलती से दिल्ली से अलवर आ गया तो अब अलवर वापिस दिल्ली जाने में मेरे को लग नहीं रहा कि वो एक दो दिन में पहुंच जाएगा। कहेगा भाई देखो ऐसे ही जाएंगे कोयले, तो सामने वाला कहेगा मैं पैदल ही चल जाऊंगा, है ना। चलो जी, तो ये कंबस्शन चैम्बर है। कंबस्शन चैम्बर में आग लगी, आग लगने के कारण, अच्छा नया बैच स्टार्ट हुआ, तू पूजा करने आया है? चलो
लो मुझे दे दे, मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ पूजा। जय हो डीजल थ्योरी। अच्छा नहीं, दो ही लेते हैं, तीन नहीं लेते हैं। बस ठीक है, लो भाई डीजल इंजन की पूजा कर दी अब हमने। ले अब अपना इंजन अच्छा चलेगा, अपना इंजन अच्छा काम करेगा, है ना। चलो देखो बेटा, अपन अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, मार्ग से भ्रमित ना हो। मैंने आपसे कहा बेटा, ये जो दहन कक्ष है, इस दहन कक्ष में कोयले को डाला जाता था। श्रीमान जी हम भी हैं, इस कंबशन चैम्बर में कोयले को डाला जाता था, और जैसे ही कोयले को डालते, कोयले से क्या पैदा होती, ऊष्मा। ऊष्मा बनती, ऊपर बेटा एक वाटर का टैंक लगा होता, दो तरह के बॉयलर होते, एक फायर ट्यूब और एक वाटर ट्यूब, समझ गए। तो फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब जो बॉयलर लगे होते हैं, उनमें आप लोगों का जैसे पानी की नलियां है बेटा, ऊपर आप ऐसे मान लीजिए, और नीचे से अगर आग लगेगी तो उन पानी की नलियों में पानी जो है वो गर्म होगा, नहीं होगा। पानी गर्म होगा तो भाप बनेगी, नहीं बनेगी। और पानी भाप बनेगी तो भाप बेटा ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाएगी। तो ये जो नीचे तो है तुम्हारा गर्म पानी, और जैसे जैसे भाप बनती जाएगी, भाप कहां चली जाएगी, ऊपर। जैसे ही बाप ऊपर गई बेटा, ये एक नली के माध्यम से आपने कहां पहुंचा दी, पिस्टन के अंदर पहुंचा दी। अब जैसे ही पिस्टन के अंदर गई, तो ये स्टीम को बेटा ऐसे नहीं कि सीधा ही छोड़ दिया, यहां पर एक रेगुलेटिंग वाल हुआ करता है। अब यहां पर एक आपका इंडिकेटर भी लगा रहता है, जिसमें चेक करते रहते हैं भाई कितनी स्टीम बन गई, कितनी नहीं बनी। जब स्टीम एक अपने लेवल पे बन जाती थी, तो इस वाल को खोल देते, और जैसे ही वाल को खोलते बेटा, एक हाई प्रेशर के साथ भाप जो है वो आगे की तरफ आती, और जैसे ही भाप आगे की तरफ आती, तुम्हारा जो ये पिस्टन है बेटा, इस पिस्टन पर टक्कर मारती, नहीं मारती। पिस्टन पर टक्कर मारेगी तो पिस्टन कहां जाएगा, आगे की तरफ आएगा। पिस्टन आगे की तरफ आएगा, ये जो कनेक्टिंग रोड या क्रैंक शाफ्ट जुड़ी हुई है, ये मूव करेगी, नहीं करेगी, ये घूमेगी, ये घूमेगी तो आगे की तरफ आई, ये आगे की तरफ आई तो इसने टायर को घुमा दिया इस तरह से, हाँ या ना। फिर ये स्टीम वापिस बेटा आगे आ गई, तो पिस्टन कहां जाएगा, पीछे। और इस तरह से आपका लगातार चलता रहता, और ट्रेन चलने लग जाती है। क्लच ऊपर है बेटा, पूरा मैकेनिज्म, ब्रेक क्लच सब है, क्या टायर, हाँ डायरेक्टली जुड़ा होता था इसमें, झटके भी लगते थे भाई, है ना, सारे काम होते एकदम से। ये नहीं कि सीधा स्टीम खोल दिया, 100 की स्पीड पर पकड़ने लग गई, ना यार, थोड़ा मैकेनिज्म ऊपर भी लगे रहते थे। तो इस पिस्टन को मूव किया, स्टीम कंपनी स्टीम बनती नहीं थी, कई बार एक आदमी नीचे बैठ गया, वो स्टीम चेक करता, ना बनी, और डाल कोयला, एक घंटा तो चालू करने में लगता था इंजन को, बहुत खतरनाक मैकेनिज्म था बेटा। एक स्टीम इंजन चल रहा था, कोई ट्रेन थी अपनी, कौन सी थी, फेरी क्यून कौन सी थी, जो दिल्ली से अलवर के बीच में चला रखी थी, स्पेशल जो सैलानी आते थे ना, एक ही स्टीम इंजन चल रहा था, कोरोना टाइम में शायद उसको भी बंद कर दिया, हाँ, अलवर टू दिल्ली, अलवर टू दिल्ली, एक स्टीम इंजन था ओनली, अब तो वो भी बंद कर दिया। जैसे मैं कभी जाता था ना, जयपुर या दिल्ली की तरफ जाता था, तो मेरे को कई बार अलवर रेलवे स्टेशन पे वो खड़ा मिलता था, अब तो आता ही नहीं है, नहीं तो यहीं से देख ले, रेलवे स्टेशन तो अपने सामने ही है, लेकिन अब वो शायद बंद कर दिया है, जैसा भी है, आ थुट रही है अब, कोरोना से पहले चलती थी। कोरोना में क्या बाहर के लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर जो भी रीजन है ना, किराया बहुत महंगा होता था उसका, लाखों में किराया होता था, लेकिन एक भाई इंटरेस्ट, एक स्टीम इंजन चल रहा था ना, तो लोग सेलिब्रिटी कि हम स्टीम इंजन में चलेंगे, ये करेंगे, तो सेलिब्रेशन वाला टाइप का हो जाता था। इस पूरे मैकेनिज्म में आप देखिए, मुझे बताओ बेटा कि जो दहन है, आपने जो आग लगाई वो सिलेंडर के अंदर लगाई या बाहर, बाहर, तो ये इंजन हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है जी, बाहरी ये दहन इंजन। ये जो इंजन है इसे बोलते हैं बेटा स्टीम इंजन। कौन सा इंजन है, ये होते हैं तुम्हारे आइस इंजन। यहां से एयर और फ्यूल का मिश्रण आया, एयर और फ्यूल का मिश्रण आएगा, तो भैया यहां से जैसे एयर और फ्यूल का मिश्रण आया, दोनों मिश्रण इसके अंदर आए, और ये मिश्रण होने के बाद में ऊपर फ्यूल इंजेक्टर स्पार्क प्लग लगा दिया, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगेगा, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर लगेगा, और उससे ब्लास्ट हुआ, इंजन चल गया, इंजन चल गया, पिस्टन ने मोशन करा, जो मैकेनिज्म इसमें हो रहा है वो इसमें होने लग गया, क्लियर है। तो इसमें बताओ बेटा दहन सिलेंडर के अंदर हुआ है बाहर, और इसमें कहां हुआ, समझ में आ गया, कौन सा आईसी है और कौन सा ईसी है, कोई दिक्कत इसमें, चलो जी आगे चलते हैं।
अब मैं इस पूरी टेबल को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा जी बाहरी दहन इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें दहन सिलेंडर के कहां होता है, इसके दो उदाहरण है, एक तो स्टीम इंजन और एक स्टीम टर्बाइन। क्लियर है, जो स्टीम टर्बाइन है वो भी इसी तरह वर्क करते हैं। अगला होता है आईसी इंजन। आईसी इंजन दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है स्पार्क इजनेशन और एक होता है कंप्रेशन इजनेशन। स्पार्क इजनेशन इंजन को हम लोग प्यार से बोलते हैं पेट्रोल इंजन। कौन सा इंजन? पेट्रोल इंजन कहते हैं। और ये जो कंप्रेशन इजनेशन होता है इस इंजन को हम लोग नाम देते हैं डीजल इंजन। क्या नाम देते हैं? डीजल इंजन के नाम से जानते हैं भाई। तो दो तरह के इंजन हो गए बेटा, एक तो पेट्रोल इंजन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? डीजल इंजन। तो आप याद रख लीजिए नाम, स्पार्क इजनेशन इंजन, प्यार से बोले तो एसआई इंजन। कौन सा इंजन? एसआई। एसआई की फुल फॉर्म क्या है? स्पार्क इजनेशन इंजन। सीआई की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेशन इजनेशन इंजन। कंप्रेशन इजनेशन इंजन का मतलब, स्पार्क इजनेशन इंजन का मतलब पेट्रोल इंजन। क्लियर है। अब ये जो आपका स्पार्क इजनेशन इंजन होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं जिनमें स्पार्किंग होती है, एक तो कौन सा? पेट्रोल, और एक कौन सा? गैस। आप लोगों ने सुना होगा सीएनजी की गाड़ियां, बेटा सीएनजी गाड़ी पेट्रोल वाली होती है डीजल वाली? पेट्रोल वाली होती है। तो पेट्रोल और सीएनजी सेम कंसेप्ट पर काम करती है, इनमें स्पार्किंग होती है अंदर, यानी स्पार्क प्लग लगा रहता है। कंप्रेशन इजनेशन इंजन की बात करें तो इसमें एक इंजन आता है जिसका नाम है डीजल इंजन। क्या नाम है? डीजल इंजन। और डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, इसमें इंजेक्टर लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर। क्या लगा होता है? फ्यूल इंजेक्टर द्वारा इजनेशन करके इसमें दहन किया जाता है, यानी उसके द्वारा प्रज्वलन करके इसमें दहन किया जाता है, जिसके द्वारा एयर और फ्यूल के मिश्रण को जलाया जाता है। ठीक है जी। तो जो भी आपका कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा एक इंजन के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम एक एक चीज को डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसके आगे। इसमें एक डिफरेंस दिखा रखा है, डिफरेंस केवल एक बार बताऊंगा, इसके बाद में पर्टिकुलर अपन आईसी इंजन पर ही बात करेंगे। आईसी इंजन क्या होता है? ये इंजन जो होते हैं इनमें दहन सिलेंडर के कहां होता है? अंदर। इनमें कहां होता है? बाहर होता है। इनका आकार क्या होता है? छोटा, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन इतना सा रहता है, है ना। दवाई देने की जो मशीन है, खेतों में कीटनाशक छिड़को तो इतना सा ही होता है। तो इनका इंजन छोटा है। और इनका इंजन क्या है बेटा? कोयला के लिए अलग चैम्बर बनाना पड़ेगा, फिर नलियों पानियों के लिए लगाना पड़ेगा, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन जुगाड़ है। इसमें वर्किंग गैसों का वर्किंग टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली तापमान ज्यादा रहेगा। इसमें जो सिलेंडर के पिस्टन जो है, ये सिलेंडर जो है उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है, भाप ही तो आ रही है। इसके बाद में इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा। कितनी होती है? लगभग 50%। और इनकी एफिशिएंसी कम होती है बेटा 15-20%। इसी वजह से इनको कंपनियों ने बंद कर दिया। आगे चलें, इनमें फ्यूल टैंक छोटा होता है। टंकी छोटी सी रहती है मोटरसाइकिल में, ऊपर आ गई टंकी, हाँ या ना। लेकिन इनकी जो टंकी है इतनी सी, अगर टंकी लगा दे तो हम कैसे कोयला डालोगा, है ना। तो इनका टैंक बड़ा होता है, कमरे के बराबर होता है पूरा का पूरा। ये इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं, जब मन करा चला दीजिए, जब मन करा बंद कर दीजिए, सेल अप मारना स्टार्ट। उसमें तो भैया एक घंटे तक पहले कोयले डालो, फिर भाप बनाओ, पानी गर्म होगा, ये होगा वो होगा, वाल खोलोगे तब जाके कोई बैठ गए सतुना तो ठीक है, नहीं दोबारा करो यही प्रोसेस। ठीक है, आगे बात करें तो ये इंजन जो होते हैं इनमें कंडेंसर के स्थान पर वाटर जैकेट या रेडिएटर लगे होते हैं। अपनी जो गाड़ियां होती हैं उनमें क्या लगा रहता है? रेडिएटर लगे रहते हैं। और अगर छोटी गाड़ियां हैं तो उनमें फिन्स लगाई जाती है, जो अपना इंजन के ऊपर ही स्लॉट स्लॉट से बना देते हैं ना उनको। इसमें भैया आप लोगों का कंडेंसर लगे होते हैं। कंडेंसर वो होते हैं जो पानी को ठंडा करते हैं, समझ गए। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली होता है। आगे बात करें, इनके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका मन भी करता होगा सर टॉपिक तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये तो बता दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन जो होता है उसमें स्पार्किंग होती है, कंप्रेशन होता है, या एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, या गैस यूज लेते हैं? कैसा है? कंप्रेशन इजनेशन इंजन है। क्या आंसर आया जी? बी। आगे चले, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण है? वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है वो कौन सा इंजन है? कौन सा बेटा? स्टीम इंजन। पेट्रोल डीजल एलपीजी ये तो सारे इंटरनल कंबशन इंजन है, अभी हमने ये टेबल बताई तो है। ये सारे के सारे कौन से इंजन है? आईसी इंजन है।
और ये वाला कौन सा है, एक्सटर्नल कंबस्शन है। लो जी भाई, ये तो बहुत आसान सा हो गया क्वेश्चन ही। अगला देखो, हो सकता है कठिन आ जाए। व्हेन फ्यूल इज बर्न इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन द केमिकल एनर्जी स्टोर इन द चैन। कह रहा है कि एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है जिसमें दहन को जलाया जाता है, तो उसमें स्टोर की गई जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदल जाती है, कौन सी एनर्जी में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, हाँ या ना। आगे चले, अगला है हमारा, प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को कौन सा इंजन कहा जाता है। डीजल इंजन को क्या नाम देते हैं, कंप्रेशन इग्निशन या स्पार्क इग्निशन, है जी। डीजल को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन इग्निशन कहेंगे। इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर जो है, एक बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा क्या है और इंजन किस किस तरह के होते हैं वो चीजें मैंने देखी है। इसके बाद में अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन की, इंजन का एक वर्गीकरण करेंगे अपने एक अच्छे लेवल पर। क्लियर है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल होते हैं, कौन से वर्टिकल, क्योंकि अब इससे आगे हमें चलना है बेटा केवल स्पेशली आईसी इंजन में। किस में चलना है, आईसी इंजन में चलना है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में।